कॉमेडी किंग कपिल शर्मा विवादों में घिर गए हैं। कपिल शर्मा के खिलाफ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। कपिल पर आरोप है कि उन्होंने वर्सोवा में अपने ऑफिस के लिए मैनग्रोव नष्ट करवाए थे। उन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और एमआरटीपी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 157 के तहत दर्ज इस एफआईआर में दोषी पाए जाने पर कपिल शर्मा को 5 साल तक की सजा हो सकती है। दरअसल एक सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दोनकर ने कपिल शर्मा मामले पर जांच के लिए अंधेरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने कपिल के खिलाफ वर्सोवा थाने में एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया है। कोर्ट ऑर्डर में कपिल शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी और कहा गया था कि कपिल शर्मा के मामले की सही तरीके से जांच हो, जिसमें मैनग्रोव काटने, बीएमसी द्वारा 5 लाख रुपए की घूस मांगना और प्रधानमंत्री को ट्वीट करने के बाद चुप हो जाना जैसे मुद्दे हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही कपिल शर्मा ने बीएमसी के अवसर पर घूस मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद इस मामले में उन्होंने पीएम मोदी को भी ट्वीट किया था और पूछा था कि क्या यही हैं आपके अच्छे दिन। इस ट्वीट के बाद काफी सियासी बवाल भी मचा था, लेकिन कपिल शर्मा ने इस मुद्दे पर बाद में चुप्पी साध ली थी। तो कपिल शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले को लेकर अब जांच की जाएगी। हालांकि अपने हंसमुख अंदाज से सबको हंसाने वाले कपिल शर्मा ने अभी इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।